मित्रों नमस्कार, बागवानी 2020 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अडेनियम की विंटर केयर के रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ सावधानियां भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास अडेनियम के बहुत सारे पौधे हैं, जिसमें अरेबिकम की भी कुछ वैरायटी हैं, जैसे ये कुछ एक दिख रही है आपको। इसके अलावा भी मेरे पास ग्राफ्टेड बहुत सारे अडेनियम हैं, लेकिन इस समय जो मौसम चालू है वो सर्दियों का मौसम चालू है और सर्दियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिस कारण हमारे अडेनियम के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं। उनकी जो कलियां आई थी वो भी इस समय मुरझा गई हैं ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो ये सब मुरझा के बेकार हो रही हैं कलियां, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और सर्दी में बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवाएँ चलती हैं वो अडेनियम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे यही पूरा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप अडेनियम को विंटर में बचाएंगे, और ख़ास तौर से बरसात से, क्योंकि बरसात तो अडेनियम के लिए बिल्कुल बहुत ही गलत है, काल है अडेनियम के लिए। अगर सर्दी के साथ बरसात हो गई तो आपके अडेनियम में बहुत सारी फंगस अटैक होते हैं, और आपका अडेनियम जड़ों से तो गलता ही है, ऊपर से भी गल सकता है। तो मैंने अपने अडेनियम बचाने के लिए जो एक छोटा सा प्रयास किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से अपने अडेनियम के पौधे को बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने सभी अडेनियम को एक जगह रखा है, और उसके ऊपर ये एक पॉलीथीन में लेकर आया था। उसको मैंने अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा मैंने खर्चा नहीं किया, ये 80-90 रुपए की पॉलीथीन लाया मैं, और कुछ लकड़ियों की सहायता से उसको इस तरीके से रखा है, और पूरे अपने अडेनियम को मैं ढक के रखता हूँ, जिससे इसमें बरसात तो बचती है, साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे भी मेरे अडेनियम बचे रहते हैं। अडेनियम के पौधे वैसे भी थोड़ा महंगे होते हैं, उसके अलावा भी जब आप बागवानी करते हैं तो आपको पौधों से थोड़ा लगाव भी हो जाता है। तो अगर कोई पौधा आपके सामने ख़राब होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना बहुत ही कम रुपए में एक पॉली हाउस बना के तैयार किया है। अब आइए मैं आपको ये अपना दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। इधर भी मेरी कुछ सीडलिंग्स रखी हुई हैं, और उसके अलावा मैंने जो कुछ सीड्स जर्मिनेट किए थे उनकी बिल्कुल छोटी सीडलिंग्स है, तो उनको बचाने के लिए भी मैंने ये प्रयास किया है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे ग्राफ्टेड इसमें पौधे हैं, अरेबिकम भी हैं और ओबेसम के भी पौधे हैं, तो इसमें बहुत सारे अडेनियम मेरे पास है। कम से कम मेरे पास अडेनियम 50 से 60 अडेनियम हो चुका है जो बड़े बड़े हैं, बाकी सीडलिंग तो तैयार हो ही रही है। इस साइड ये मेरा पूरा सीडलिंग का है, इधर सब सीडलिंग्स रखी हैं। तो आप भी अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके अडेनियम बचे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप पॉली हाउस नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम सर्दियों में अडेनियम को ऐसी जगह पर रखें जहां पर मतलब डायरेक्ट उनके ऊपर कोहरा ना गिर सके, थोड़ा छाया के नीचे रख दें। आप अपनी छज्जे के नीचे रख सकते हैं। अभी मेरे यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से बरसात लगातार हो रही है, लगातार बूंदाबांदी हो रही है, तो यही मौसम सबसे गलत है अडेनियम के लिए। तो इससे ये पॉलीथीन ने बहुत ज़्यादा बचाया है मेरे पौधों को, बिल्कुल भी मतलब पानी अंदर नहीं जा पाया है, और उसके अलावा थोड़ा ये हीट को भी अपने अंदर रखता है, और अडेनियम को थोड़ा हीट ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं पसंद है। और मेरे यहाँ जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से रुक रुक के बारिश हो रही है, तो उससे इस पॉलीथीन और इस पॉली हाउस ने मेरे अडेनियम को बहुत से अच्छे से बचाया है। तो मित्रों, आप भी ये छोटा सा प्रयास करके अपने अडेनियम को बचा सकते हैं, और अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया है तो मेरा ये वीडियो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।